अच्छा जी हाशमी साहब, अभी बताइए कि हजरत इब्राहिम कंदूजी अलैह रहमा से अब ये एक मजजूब जो है सालिक के पीछे नजर आ रहा है, और मैंने देखा जब मैं भी औलिया कराम को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई जगह सालिक के पीछे मजजूब ही नजर आते हैं, यहाँ भी मजजूब नजर आ रहे हैं। तो जरा ये जो मामला है रूहानी फैज का, आज तो सिर्फ हमने रूहानी फैज पर बात करनी है, बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबी व आले बैती अजमाइन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत महफिल में दावत देने का, और दूसरी बात ये कि मेरी तरफ़ से आप मुबारकबाद कबूल फरमाएं पूरी आपकी 92 न्यूज़ की तमाम टीम के लोग, तमाम नाज़रीन, कि आज बहुत बड़ा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा दिन है, आज रहमतों का दिन है। और मैं तो ये कहता हूँ कि रजब रहमतों की बरसात का दिन है, बेशक है बहुत सारी। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। अच्छा, जो सच्चों के साथ हो जाते हैं ना और जो सच्चों को समझ जाते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए राहें आसान कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह को समझना ही सबसे बड़ा कमाल है। ये बच्चा जो है 15 साल का, ये बाग की खिदमत कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है, फल काट रहा है, एक मजजूब है वो आगे बैठा है। इस बच्चे ने देखा कि बाबा जी आगे बैठे हैं, ये नहीं कि कोई मजजूब बाबा जी बैठे, नौजवानी की उम्र है, नौजवानी की उम्र है, 15-16 साल की उम्र है, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। ये बच्चा फटाफट जाकर के अंगूर पानी में धो के उनको पेश करता है, बड़े अदब से जाके पेश करके अदब से खड़ा हो, क्योंकि सादात खानदान से अदब इनकी गुट्ठी के अंदर मौजूद है, अदब से खड़े हो गए। हाँ, तो उसी अदब से जाहिर है उन्हें भी। इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह हालत जज्ब से आलम लाहूत से आलम नासूत में आए, बच्चे के ऊपर नजर डाली कि ये कोई सादात खानदान का बच्चा है, और उसकी वो खिदमत पसंद आ गई। अब जब खिदमत पसंद आ गई तो ये मजजूब अपने थैले में से रोटी का एक टुकड़ा निकाल रहे हैं, वहाँ अंगूर पेश कर रहे हैं या सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला जा रहा है। चाहता तो वो बच्चा मना कर देता, लेकिन इस मजजूब के टुकड़े को देख करके बच्चे ने मना नहीं किया। उस टुकड़े को जनाबे वाला हज़रत इब्राहिम कंदोजी अपने मुँह में डाल करके चबाते हैं, नरम करते हैं, फिर उस बच्चे को पेश करते हैं। हज़रत बाबा साहब फरमाते हैं कि पता नहीं क्या बात थी कि जू ही मैंने वो निवाला अपने हलक से नीचे उतारा, एक लम्हे के अंदर वो रूहानी फैज मेरे अंदर मुंतकिल हो गया कि पंचक्की बाग सबसे दिल उचाट हो गया। अल्लाह अल्लाह। और जब आप राहे इल्म के लिए रवाना हो गए, जैसे कि आपने खुद भी शुरू में इंट्रो में फरमाया कि फिर जब इल्म सीखने के लिए गए तो इल्म के हर फन को सीखा, तमाम उलूम, कुरान, तफसीर, हदीस, फिका, तमाम उलूम को सीखा। वो लोग जो आज ये कहते हैं कि ये खरका पोश अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता होता, मैं उन्हें दावत देना चाहता हूँ कि गरीब नवाज के दरवाजे पर आओ, इल्म खुद अपना कासा इल्म लिए।